Right. So generally, the human settlement is divided into two parts. One is the nucleated settlements, and other one is the dispersed settlements. You can see here, right? In figure A and figure 2, figure 7.A and figure 7.B. Figure 7.A indicates that it is a dispersed settlement, right? And figure 7.B, nucleated settlements. अब nucleated settlements मतलब जहाँ पर गुंजन आबादी है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, right? अब ज़्यादा लोग वहाँ पे क्यों रहते हैं? Because the amenities and the facilities for the living purpose, whatever एक इंसान को रहने के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, the human needs are fulfilled that region. Generally, those region have the huge population, like Mumbai, Pune, Nasik, Delhi. Especially Uttar Pradesh is the largest populated state of India. Uttar Pradesh में सबसे ज़्यादा आबादी है. इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में. वहाँ पर क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? बिकॉज गंगा यमुना रिवर फ्लो थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से वहाँ का जो रीजन है बहुत ही फर्टाइल रीजन है. अब पैडी कल्टिवेशन, वीट कल्टिवेशन बहुत होता है, तो लोगों को रोज़गार मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, पानी अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, और प्लेन रीजन है. द सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो प्लेन रीजन है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश ईजिली. एग्रीकल्चर के अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, इसलिए यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट? सो इन इंडिया वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट्स पैटर्न गिवन इन द वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर. सो जो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स है, तो वो क्या कारण है? सबसे पहला कारण क्लाइमेटिक फैक्टर्स है. क्लाइमेट कैसा है? आप देखो, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एज पर द एरिया, बट इट हैज़ अ डिफिशियंट पॉपुलेशन. क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट, ज़्यादा ठंडी पड़ना, ज़्यादा गर्मी पड़ना, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. ये चार पाँच चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ लेट अस सी, फर्स्ट सी इज़ द ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर आप देखोगे कि आर कंट्री इज़ नोन एज द पेनिनसुलर कंट्री, राइट? इस मैप में भी अच्छे से समझ में आएगा आपको. लुक एट सी, आवर कंट्री इज़ नोन एज द पेनिनसुलर कंट्री बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड. वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है, एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, राइट? अब इन यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन मीडियम है. अब आप देखो, मैं जैसे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अब मुंबई जहाँ पर, स्पेशली मुंबई देखो, मैं चार महानगर पालिका महानगर के नाम लेता हूँ, फोर बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया लाइक मुंबई, देन चेन्नई, यहाँ पर चेन्नई आएगा, चेन्नई एंड कोलकाता. ये तीनों भी सिटीज़ जो है ना, ये है कोस्टल सिटी. इंटरनेशनल जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ कि इंडिया इज़ एग्रेरियन कंट्री. इंडिया के गेहूँ चावल जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है अरेबियन सी के जरिए, बे ऑफ बंगाल के जरिए, इंडियन ओशन के जरिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे कंट्रीज़ को, राइट? और वहाँ से जैसे कि हम गल्फ कंट्री से हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनको बेचते हैं, गल्फ कंट्री से हमारे ऑयल आ रहे हैं, हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, सब गल्फ कंट्री से आ रहा है. तो ये सब ट्रेड कहाँ से हो रही है, कौन से रास्ते से हो रही है? ये समुद्री वे से हो रही है. तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि जैसे मुंबई है, कोस्टल सिटी है, तो यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा होता है. तो ये इसी कारण क्या है, जैसे कोलकाता है, चेन्नई है, तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स का गेटवे है. जैसे आप मुंबई में देख सुना होगा ना, गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन अभी वो ट्रेड के लिए यूज़ नहीं होता है. तो ये अंग्रेज़ों ने कहा कि ये गेटवे ऑफ इंडिया है, कि इंडिया में आने का रास्ता, इंडिया में आने का गेट है ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स होता है. शिप, बड़े बड़े शिप से ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. तो इसलिए धीरे 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 यहाँ पर आबादी बढ़ती गई, और आज एट प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ का मुंबई का पॉपुलेशन नियर 2 करोड़ है. अकेले मुंबई सिटी का पॉपुलेशन नियर 2 करोड़ है, राइट? जबकि दिल्ली भी है, दिल्ली लैंडलॉक नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंडिया का, लेकिन उसका कारण वहाँ पर पॉपुलेशन का ज़्यादा होने का कारण क्या है कि वहाँ पर ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इस कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है. लेकिन वही एक कारण देखो आप, राजस्थान जो कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज़ पर द एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर पॉपुलेशन कम है. उसका कारण क्या है? हार्श क्लाइमेट है, थार डेजर्ट वहाँ से गुजरता है, जिसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा है. थार डेजर्ट सिचुएटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, तो वो रीजन सनरेज बहुत परपेंडिकुलर आता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, जिसके कारण पॉपुलेशन टेम्परेचर गर्मियों में 45-48 तक जाता है. तो इसलिए
वहाँ पे आबादी कम है, इसके अलावा बारिश भी बहुत कम होती है उस इलाके में, तो ये एक कारण है कि वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी इलाके में। आबादी कितना है, आबादी रहेगा कम रहेगा ज़्यादा रहेगा ये डिसाइड करने में। अब देखिए, उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एज़ पर द पॉपुलेशन, तो उसका कारण ये है कि गंगा, जैसे मैंने बताया गंगा रिवर है वहाँ पर, और सबसे मेन चीज़ है वाटर अवेलेबिलिटी है, उसके बाद फर्टाइल लैंड है, देन ये जो पूरा गंगा प्लेन है, गैंगेटिक प्लेन यानी कि प्लेन रीजन है, फ्लैट रीजन है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ करना आसान है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा से जहाँ पर होगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू, अभी ये देख लिया आपने, लेकिन ये देखिए कि जो ऊपर की स्टेट है, जम्मू कश्मीर है, हिमालय स्टेट, ऐसे हिमालय जो माउंटेन है, हिमालय पहाड़ है, वो ऐसे गुजर रहा है, राइट, ऐसे पूरा राइट। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्तराखंड, बिहार, यहाँ पे बिहार में भी नहीं, यहाँ पे देखिए आसाम, अरुणाचल प्रदेश, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया है लेकिन वहाँ पे आबादी बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में भी पॉपुलेशन बहुत कम है, उसका कारण क्या है, बिकॉज ये पहाड़ी इलाके है, यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना बहुत ही मुश्किल रहता है ना, तो इस यही कारण यहाँ पे डैम वगैरह बनाना, बारिश तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेघालय, ये जो मेघालय स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मेघालय में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में हो रही है, चेरापूंजी शिलोंग में, लेकिन यहाँ पे फिर भी आबादी कम क्यों है, बिकॉज ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे डैम वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं है अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में, तो दैट्स वाई यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, और कोई कंपनी वगैरह डालना, कोई इंडस्ट्री डालना यहाँ पर मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पे इस इलाके में, पहाड़ी इलाकों में पॉपुलेशन कम है। सो वाटर अवेलेबिलिटी, जोग्राफिकल क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारे रोल, क्लाइमेट ऑफ द क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कर रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे जनरली एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा, जबकि मैं आपने देखिए महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज़्यादा है, महाराष्ट्र इज़ द सेकंड पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, बिकॉज महाराष्ट्र का क्लाइमेट मिडल है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम है, ना ज़्यादा ठंडी में ठंडी पड़ती है, ना गर्मी में गर्मी पड़ती है, राइट। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन होने का कहिए, महाराष्ट्र इज़ द इंडस्ट्रियल स्टेट ऑल्सो, एंड इट अट्रैक्ट, बहुत सारे लोग यूपी बिहार से महाराष्ट्र आते हैं क्योंकि इनको रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो यू कैन सी दैट द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द थ्रू आउट द प्लेटो रीजन ऑफ नर्मदा वैली एंड पैडी लैंड्स इन बिहार यूपी। पैडी लैंड मतलब जहाँ पर चावल की फसल होती है, चावल की पैदावार होती है, यूपी, विंध्या, प्लेटो एंड सेवरल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रहेगी वहाँ पर गुंजन आबादी मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, डिस्पर्स सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न एंड साउथर्न राजस्थान, हिमालय स्लोप्स एंड लैंड विद द डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी, यानी कि जो ज़मीन बराबर ना हो, ऊँचा नीचे ज़्यादा हो, राइट। जैसे कि मैंने पहाड़ी एग्जाम्पल दी, पहाड़ी इलाकों का एग्जाम्पल दिया जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आबादी कम है क्योंकि यहाँ पर अनइवन टोपोग्राफी है, ज़मीन बराबर नहीं है, फ्लैट नहीं है, मैदानी इलाका नहीं है, राइट। जबकि मध्य प्रदेश में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, यहाँ पे ज़मीन फ्लैट है, तो यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आसानी से होती है, पानी अवेलेबल है आसानी से, तो इसलिए वहाँ पर आबादी ज़्यादा है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एंड If that region is a plateau region or the plain region, then it attract the population. Developmental activity है, coastal area है, तो वो employment, वहाँ पर लोग employment के कारण वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएगी, आबादी वहाँ की बढ़ेगी, like मुंबई, पुणे, नासिक। सो दिस आर द वन ऑफ द एक्टिविटी यू कैन क्लिक दैट, जो जो एक्टिविटी, जो चीज़, जो फैसिलिटीज़, एमिनिटी मतलब फैसिलिटी, जो सहूलतें अवेलेबल है विलेज में एंड अवेलेबल इन सिटीज़, पेट्रोल पम्प अवेलेबल इन बोथ द विलेजेस एंड सिटीज़, मोस्टली इन सिटीज़, थिएटर अवेलेबल इन मोस्टली इन सिटीज़, वीकली मार्केट अवेलेबल इन विलेजेस, है ना, वीकली मार्केट जनरली विलेज में रहेगी और रेगुलर मार्केट सिटीज़ में रहेगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जनरली PHCs छोटे गाँव में होता है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, जैसे हमारे इधर सिविल हॉस्पिटल रहते हैं बड़े शहरों में, तो वहाँ पर गाँव में PHCs रहते हैं, PHC स्टैंड फॉर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पुलिस आउटपोस्ट दोनों जगह रहेगी, आर्ट गैलरी शहरों में रहेगी, ग्राम पंचायत गाँव में रहेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जनरली गाँव शहर दोनों में होता है, प्राइमरी स्कूल, सीनियर स्कूल, कॉलेज यू कैन ईजिली कैन, देन मेट्रो स्टेशन जनरली सिटीज़ में होगा, बस स्टेशन गाँव में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी जनरली गाँव में नहीं होती है, सिटीज़ में होती है, राइट। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल ले लो हमारे इंडिया का, मैंने बता लिया ब्राज़ील में वी नो द ब्राज़ील में जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, तो जनरली वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट को सेटल करना बहुत ही मुश्किल है, तो दैट्स वाई वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा। लेकिन साओ पोलो देखो, जो भी कोस्टल सिटी होगा, ब्राज़ीलिया है या ब्राज़ील का कैपिटल है,
देन सॉ पोलो। तो ये जो कोस्टल सिटीज ऑफ ब्राज़ील अट्रैक्ट द, वहाँ पे ट्रेड इन कॉमर्स एक्टिविटीज ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। अब ये है कि सॉ पोलो में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों की, बिकॉज द सॉ पोलो की जो ज़मीन है वहाँ पर दैट इज़ अ रिच सोर्स, वहाँ पर सॉइल जो है विच मेक्स इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी, है ना। वी नो द ब्राज़ील इज़ नोन एज द हॉट स्पॉट, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन ब्राज़ील में होता है, और उसमें भी सॉ पोलो में हो रहा है। तो जनरली एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक हब होगा, लोग यहाँ पर ज़्यादा, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन जैसे तेज़ी से बढ़ रही है। आप देख सकते हो जैसे कि हमारे इधर मुंबई में जो इमेजेस नज़र आती है वो सॉ पोलो में नज़र आ रही है, बिकॉज इट इज़ द ट्रेड सेंटर ऑफ द ब्राज़ील। अब अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इफ यू ऑब्जर्व दैट अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। 1961 में सिर्फ 18% अर्बनाइजेशन था, मतलब इंडिया में टोटल यानी कि 72% पॉपुलेशन लिविंग इन विलेज एरिया, 1961 की बात कर रहा हूँ, 1961 में। तो ये बढ़ते बढ़ते 2011 की सेंसस में जब रिजल्ट आया तो 31.2% पीपल्स आर लिविंग इन अर्बन एरिया। अब जब 2021 का सेंसस कम आउट होगा तो आई थिंक 45% पीपल्स आर लिविंग इन अर्बन एरिया, यानी आज भी अगर देखा जाए तो 55% पीपल्स ऑफ इंडिया आर लिविंग इन विलेजेस। अब इसमें बता दूं कि मैप के जरिए आपको बेहतर समझ में आएगा, अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज आर मोर इन द साउथर्न स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना में, ये पे अर्बनाइजेशन, अर्बन मतलब बड़े बड़े सिटीज यहाँ पर साउथ इंडिया में मिलेंगे। जबकि यानी 50% यहाँ से मैं ब्रेक कर दूँ इंडिया को तो ज़्यादातर बड़े बड़े सिटीज़ यहाँ पर मिलेंगे। जबकि ऊपर की साइड पर जो अगर बड़े स्टेट है गिनती की है, जैसे कि दिल्ली नाम ले लो, फरीदाबाद है, पटना है ना, कोलकाता है, गिनती के स्टेट्स मिलेगी, गिनती के सिटीज़ मिलेगी बड़े बड़े महानगर। क्यों? बिकॉज दैट इज़ अ मोस्टली, ये जो रीजन है अंडर डेवलपिंग रीजन है या बहुत ही कम डेवलप हुआ है। आपके साउथ इंडिया जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इंक्लूडिंग अवर महाराष्ट्र, बिकॉज मोस्टली इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हेयर। तमिलनाडु में भी इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी होती है, लेकिन अर्बनाइजेशन ज़्यादा साउथ इंडिया में है। बिकॉज उसका एक कारण ये भी है कि यूपी बिहार के बहुत सारे लोग माइग्रेट होके यहाँ पे बस रहे हैं। यू कैन रीड दैट अर्बनाइजेशन हैज़ मोर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया देन इन द नॉर्थर्न पार्ट, एंड गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विद 62% पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि गोवा में 62% पीपल जो है ना वो अर्बन एरिया में रहते हैं, एंड दिल्ली इज द मोर देन 80%, बिकॉज दिल्ली इज द सिटी एज वेल एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट 80% यहाँ पे पॉसिबल है। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, अर्बनाइजेशन इज मोर, वाइल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान आर सम ऑफ द स्टेट्स विथ लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड वेल। सो इसका ये पार्ट वन था, पार्ट टू जल्द ही अपलोड करूँगा तो वो भी देख लेना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि उनको भी दैट अबाउट दैट ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट उनके भी क्लियर हो जाएँ।